हेलो दोस्तों, राम राम। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भी अच्छे होंगे। देखिए हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। देखिए मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। देखिए दूध रखी हूँ, देख सकते हैं गैस चालू हो चुका है, देख सकते हैं। और चाय में बनाने जा रही हूँ, दूध डाल चुकी हूँ। अभी मुझे अदरक बनाना है, अदरक उसमें डालना है और लौंग इलायची थोड़ी मिर्च हल्का सब कुछ डाल कर वगैरह इसको पकाना है। और चाय पत्ती मुझे डालना है, पर ये दूसरी क्वालिटी चाय पत्ती है कि जब सारा सामान उबाल के उतार लेने के बाद तब इसमें चाय पत्ती पड़ेगा। नीचे उतारने के बाद उसके बाद वो भाप से पूरा मिल जाएगा, एकदम गल के एकदम भीग जाएगा। उसके बाद छान के ये चाय पीना है, उसके पहले नहीं। ये दूसरी चाय है, हम आप लोग को दिखा सकते हैं। जो उबलने बाद डाला जाता है, देख सकते हैं डिएक्शन कंपनी का चाय है, देख सकते हैं। और यही मैं चाय पर डे बनाती हूँ और पीती हूँ और अपने घर वाले को पिलाती हूँ दोस्तों। और मैं अब जा रही हूँ अदरक और मिर्च सब कुछ लेकर खुनने जा रही हूँ। फोन को इसे चाय में डालना है, देख सकते हैं इसमें दूध डाल चुकी हूँ मैं। और अभी मुझे मटर छीलना है, सब्जी काटना है, आप लोग को दिखाती हूँ दोस्तों। हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम अदरक निकाल लिए हूँ और अदरक इसमें डालने जा रही हूँ कूटने के लिए। और देखिए इसमें मिर्च भी है और इसमें देखिए देखिए लवंग भी है और इलायची भी है। और देख सकते हैं मिर्च इतना भी है। मैं डाल कर खूनने जा रही हूँ, खून कर चाय में डालना है मुझे, देख सकते हैं। अभी मिल नहीं रही है, देखिए इसी से कूटूंगी आप, देख सकते हैं इसमें। हेलो दोस्तों, देखिए मैं डालने जा रही हूँ, आपको दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं इसमें मैं डाल चुकी हूँ। अब इसके बाद इसे पकने दूंगी और ढक देती हूँ, पक जाएगा। उसके बाद मुझे हम बाद में चाय पत्ती पड़ेगी इसमें, देख सकते हैं दोस्तों ढक उठा है। और मैं तब तक चलती हूँ मटर छीलने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। और देख सकते हैं मटर मैं यहाँ पर रखी हूँ, देखिए इसमें धनिया है, मटर है, प्याज है, आलू आलू नीचे रखी हूँ। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमारी चाय हो चुकी है। देखिए मैं चाय पत्ती डालकर अब गैस बंद कर दे रही हूँ, देख सकते हैं। अब ढक देना है, अब इसमें जब उतर जाएगा रख उसके बाद तब छाटना है, आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए मैं गैस जला दी हूँ। देखिए कढ़ाई धोने जा रहे हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता बनाने रोटी बचा हुआ है, इसको तलना है, आपको दिखाते हूँ कैसे मैं तल। देखिए दोस्तों नाश्ता बनाना है, रोटी बची हुई है, देख सकते हैं ऐसे करके ऐसे काटना है। देखिए कट चुका है, देख सकते हैं, देख सकते हैं कट चुका है। अब इसको मुझे तलना है। देखिए दोस्तों कढ़ाई में रिफाइंड डाल देती हूँ, अब तलते समय आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है, देख सकते हैं ऐसे ऐसे तलना है इसमें, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए लाल हो चुका है, अब इसको मुझे निकालना है, दिखाती हूँ। देखिए मैं निकाल रही हूँ और दूसरी
बना रहे हैं। डाल के उसमें मुझे लाल करना है, देख सकते हैं, इधर उधर पलटना है। ये ऐसे तल कर मुझे निकालना है, उसके बाद इसमें जो पड़ेगा आपको दिखाती हूँ पूरा वीडियो, लास्ट तक देखना। जो देखने बातचीत मिलती है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं घर पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं अब हमारा तैयार हो चुका है सारा। मैं नाश्ता निकाल चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं नाश्ता बना चुकी हूँ, आपको दिखा रही हूँ नाश्ते में कैसे कैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपको मैं दिखा रही हूँ आगे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं नाश्ता ये बनाई हूँ मैं। अगर सब्जी साथ खाना है, देखिए सब्जी और ये नाश्ता है, और बोल सकते हैं अगर चाय के साथ ये खाना है, तलना चीज उसके बाद चाय से खाना है। इसमें नमक थोड़ा थोड़ा जीरा और थोड़ा मिर्च मैंने बुक के डिब्बे में रखी हूँ, उसी में से मिलाकर रोज़ रोज़ में डालकर मिलाकर बच्चों को देते हैं, अपनों सब लोग खाते हैं। देख सकते हैं इसमें नमक और जीरा हल्का भूज कर और थोड़ी मिर्च एक में मिक्स करके बुक कर बारीक बारीक, उसके बाद इसमें मिला कर तब चाय के साथ खाना है, और जिसमें नहीं मिलाना है उसको सब्जी के साथ खाना है। देख सकते हैं हमारी नाश्ता तैयार हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, इसको नाश्ता बच्चों लोग को देने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं मैं आलू छीलने जा रही हूँ सब्जी काटने के लिए, दिखा रही हूँ अभी हमें ब्लॉग में बने रहिए। देखिए दोस्तों, आलू मैं छील चुकी हूँ, आपको दिखा सकती हूँ। अब मैं काटने के लिए जा रही हूँ, देखिए इधर मैं मटर छील के रखी हूँ और सब्जी अब काटना है। मैं जा रही हूँ सब्जी काटने के लिए, आपको दिखाती हूँ मेरा क्या क्या रेडी हुआ क्या नहीं रेडी हुआ। हेलो दोस्तों, देखिए आलू हमारा तैयार तो हो चुका है काट कर, और देखिए मटर भी तैयार हो गया है, देख सकते हैं तड़का भी काट कर तैयार हो चुका है, आपको दिखाते हैं। अब तड़का लगाने में चलती हूँ। हेलो दोस्तों, देखिए हमारा तेल लाल हो चुका है, इसी में मैंने तली थी नाश्ता, देख सकते हैं। पहले मैं मिर्चा डालती हूँ, मिर्चा लाल हो जाएगा उसके बाद मैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं मिर्चा लाल हो चुका है, लहसुन और प्याज साथ में मैं डाल दे रही हूँ, देख सकते हैं। और क्या बोला जाता है, इसको मैं अच्छे से लाल करूँगी, उसके बाद इसमें सब्जी आलू सब कुछ पड़ेगा, दिखा सकते हैं। अभी मैं लाल, देख सकते हैं तड़का लाल हो चुका है, अब मैं इसमें सब्जी डालने जा रही हूँ। देखिए आलू डाल के मुझे लाल करना है, उसके बाद इसमें मटर भी डाल दे रही हूँ। ढकना है, मैं ढक दे रही हूँ, अब लाल हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा टमाटर डालूंगी, तब उसके बाद मसाला पड़ेगा, दिखाती हूँ आप लोग को। हेलो दोस्तों, देखिए गुड मॉर्निंग, हम पापा के थर्मल धुल जाने को आज काम पे चाय लेकर जाएंगे। देखिए हमारा ये थर्मस है, और देखिए उसका कोठी जो धोया जाता है, इसमें डाल के पानी डाल के निर्मा डाल के इसे यहाँ से यहाँ पूरा रगड़ा जाता है, इसके बाद ये साफ होता है। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं मैं सब्जी भूज रही हूँ, देख सकते हैं अब मैं चावल धोने जा रही हूँ डालने के लिए। अब चावल धोकर मैं डाल देती हूँ गैस पे चढ़ा कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आटा सानने चालू करूँगी। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमारी सब्जी लाल हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ टमाटर काटने के लिए, इसमें टमाटर पड़ेगा, आपको दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, देखिए हमारी सब्जी लाल हो चुकी है, देखिए मैं मसाला डालने जा रही हूँ, देख सकते हैं मसाला डालकर अब इसको मिलाना है। देखिए अब इसको बढ़िया से हम मिला कर इसको ढक देती हूँ।
देख सकते हैं दोस्तों हमारा चावल उबाल मार रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा और कढ़ाई भी मैं तोपी हूँ। अभी मसाला पक रहा है, अभी पानी डालना है। देख सकते हैं और देखते हैं दोस्तों हमारी सब्जी के क्या हाल है। लाल हो चुका है मसाला, पक चुका है कि नहीं देख सकते हैं दोस्तों मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें पानी डालना है। देखिए इसमें थोड़ा पानी डालना। देखिए दोस्तों पानी मैं डाल चुकी हूँ सब्जी में, देख सकते हैं। और इसमें अब मैं देखिए नमक रखे हूँ। अब मैं ले जा रही हूँ नमक डालने के लिए। देखिए एक चम्मच से डेढ़ चम्मच में नमक डाल रही हूँ, देख सकते हैं। और अब इसको मुझे ढक देना है, अच्छे से पक जाएगा तब इसमें मैं धनिया उनिया अरा डालूँगा, देख सकते हैं। और इसको पकने में 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे से ये 10 मिनट में पक जाएगा या 5 मिनट से 10 मिनट जरूर ले लेगा। अच्छा सब्जी स्वादिष्ट होगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं दूध थोड़ा बाबू के लिए गर्म करना है। बाबू स्कूल के जाने का टाइम हो रहा है, अब बाबू को गर्म करके दूध देना है। मेरे दोस्तों लोटा थोड़ा पानी डाल के धो के मैं डाल दी हूँ। और अब देख सकते हैं अब मैं जा रही हूँ ढक्कन से ढकने के लिए। हेलो दोस्तों देख सकते हैं, देखिए मैं सब्जी में डालने के लिए धनिया और सोया मैं डालने जा रही हूँ। सोया का भी अलग टेस्ट होता है सब्जी में डालने के लिए, इसीलिए दोनों में डालती हूँ। धनिया टेस्ट भी मिलेगा, सोया भी टेस्ट मिलेगा। अब देख सकते हैं अब मैं जा रही हूँ काटने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों मैं धनिया और सोया काट चुकी हूँ। अब सब्जी हमारी पक रही है, अभी पक जाएगी। उसके बाद जब उतारना होगा तब मैं सोया धनिया दोनों सब्जी में डालकर उसमें मिलाकर उतार देना है मुझे। आपको दिखाती हूँ मैं तब के लिए जा रही हूँ मैं आटा निकालने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है, सब लोग कपड़ा बार बार के ताप रहे हैं आग लेकर। देख सकते हैं यहाँ पर देखो लड़का बदमाशी कर रहा है जनरेटर से, बाबा उनके पास खड़े हैं तभी डर नहीं लग रहा है। देखिए रस्सी करियाई में फंसा कर खींच रहा है, देख सकते हैं। देखिए वहाँ पर हमारे घर के बगल लोग कैसे कैसे कौड़ा ताप रहे हैं, सब लोग जुटे हुए हैं। देखिए एक गांव में के एक और आ गए हैं, देखिए उठ के जा रहे हैं घर में, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों देखिए हमारा चावल पक चुका है, देख सकते हैं। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, चावल हो चुका है, अब सब्जी भी पक चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए सब्जी भी पक चुकी है, अब मैं इसमें धनिया डालने जा रही हूँ। देख सकते हैं लोग, देखिए दोस्तों मैं धनिया डालकर अब मिला देती हूँ। देखिए मैंने मिला दी सब कुछ। देखिए यहाँ पर मैं गैस अब बंद कर दे रही हूँ, सब्जी हो चुकी है और अब मैं ढक्कन से सब्जी ढक दे रही हूँ। हेलो दोस्तों देखिए हम आटा चाल चुकी हूँ, अब जा रही हूँ गूंदने के लिए, देख सकते हैं। अभी मैं पानी डाल के गूंदूँगी। देखिए दोस्तों आटा हमारा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और देखिए बर्तन भी रख ली हूँ। अब तावा रखना है, अब भी दिखाते हैं मैं क्या। देखिए दोस्तों तावा हम रख दी हूँ गर्म होने के लिए, गर्म हो रहा है, गैस चालू कर चुकी हूँ, देख सकते हैं। और अब मैं चौका निकाल के आटा मल रही हूँ, रोटी बनाने जा रही हूँ। मैं रोटी बना रही हूँ, देख सकते हैं।
तो देखिए हम रोटी बना चुकी हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर तावा खाली हो चुका है। रोटी सारा बना के इसी पे मैं रखी हूँ, देख सकते हैं। और मैं अब जा रही हूँ और काम करना है मुझे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, लंबा हो चुका है। अब आपको अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ज़रूर आप मिलना। बाय, राधे राधे, जय कृष्ण।